समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई स्ट्रेटजीज काम नहीं करती और कुछ नहीं काम करता है, बट एक चीज काम करती है। अगर आप देख रहे हो कि आप पहले से फेल होते आ रहे हो हर चीज में, आपका जो भी प्लानिंग है फेल हो रही है, देखना फेलियर अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो आप उससे घबराओ मत और ये सोचो कि वो फेलियर का रीजन क्या है, उसके रीजन बिहाइंड ऐसा क्या कर रहे हो आप गलती कि जो आप बार बार सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जा रही हैं। और रोने से कुछ नहीं होता है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है ना, तो एक बार अपनी गलतियों को देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। आप चाहे कंपटीशन में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी मिस्टेक्स को देखना। सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं, सब कुछ फेल हो जाता है अगर आप अपनी गलती नहीं पहचान पाते हो। आप इंसान हैं, गलती तो सबसे होती है। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी गलतियाँ पहचानो, कि आप अभी तक जो करते आ रहे हो वो फेल हो क्यों रहा है, एग्जैक्टली रीजन क्या है उसके पीछे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यही बात है आप लोगों से आज मैं ये छोटी सी वीडियो कि अभी तक जितना कुछ हुआ वो सब भूल जाओ और ये सोचो कि आपने वहां क्या गलती करी। क्योंकि जो फेलियर झेलता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता, बट उसके पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या, उसको पता होता है कि उसकी गलतियां कहाँ हुई थी। जो लाइफ में फेल होता है ना, उसको दोबारा मौका क्यों मिलता है और दोबारा वो अपलिफ्ट कैसे होता है, क्योंकि उससे पता होता है कि फर्स्ट टाइम पे उसने गलती कहाँ करी थी। तो अगर आप भी दोबारा उठना चाहते हैं ना, तो आज 5 मिनट 10 मिनट बैठो और अपनी गलतियों को पहचानो कि आप गलती कर कहाँ रहे हो। एग्जैक्टली आप आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हो, दिक्कत आ रही है तो कहाँ से आ रही है। और बाकी यही कहूँगा, जितना ज़्यादा पेन है ना, उतना ही ज़्यादा गेन होगा, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो अपनी गलतियाँ पहचानें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो अभी तक अगर आप अपने आप को फेलियर कहते हैं ना, तो ठीक है फेलियर हो गया, लेकिन अब जो आगे आने वाला है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने जो फेलियर में सीखा है उस दौरान, अपनी फीलिंग के दौरान सीखा है ना, उसको रिकॉग्नाइज करो और आगे बढ़ जाओ और सब कुछ भूल के कंसंट्रेट करो और अपने जो एम है उसकी तरफ जाओ। आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से जितना कर सकते हो अपनी गलतियों को पहचानो और आगे बढ़ते जाओ स्टेप बाय स्टेप्स। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब कुछ कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये बात समझ आएगी कि अपने फेलियर से, अपनी गलतियों से चीज़ें समझो कि आप गलती एग्जैक्टली कर कहाँ रहे हो। छोटी सी वीडियो बट बहुत बड़ी बात आप लोगों को मैं बताते हुए इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ कि सोचो कि गलती हो कहाँ रही है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।